नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओएसपीएफ कॉस्ट कैलकुलेशन। ओएसपीएफ कॉस्ट या मैट्रिक कैलकुलेशन, इसमें जो हम डायग्राम यूज करेंगे कॉस्ट कैलकुलेशन में, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, फोर रूटर्स हम इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर। आर वन और आर टू के बीच में जो कनेक्टिविटी है वाया सीरियल लिंक है, एस जीरो अब्लिक जीरो, आर टू का एस जीरो, आर वन का एस जीरो ऑब्लिक वन कनेक्टेड है आर थ्री के एस जीरो ऑब्लिक वन से, और आर टू का सीरियल एस वन कनेक्टेड है आर थ्री के जीरो ऑब्लिक जीरो से। आर थ्री और आर फोर जो कनेक्टेड हैं वो बीएमए टाइप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, फास्ट ईथरनेट लिंक के थ्रू एक दूसरे से, और आर फोर पे एक लूप बैक फोर पड़ा हुआ है, फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर। हमें यहाँ पे रीचेबिलिटी करना है आर वन से, आर वन आर थ्री के बीच में जो आईपी एड्रेस है 13.1.1.1.3, टू और थ्री के बीच में 23.1.1.2.3, 34.1.1.3, थ्री और फोर के बीच में, और आर वन आर टू के बीच में पड़ा हुआ है 12.1.1.2.1, आईपी एड्रेस ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। यहाँ पर जो हम कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये जो सारे रूटर्स हैं ये एक ही एरिया के अंदर बिलोंग करते हैं, ये लेट्स एरिया जीरो या वॉट एवर किसी के अंदर भी मौजूद है। ओएसपीएफ में जो कॉस्ट कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला है कि कॉस्ट इक्वल टू होती है 10 की पावर 8, और ये होती है बी पी एस के अंदर बिट्स पर सेकंड के अंदर, और नीचे होती है बैंडविथ। बट इस बैंडविथ को हम कैसे चेक करते हैं, ये बैंडविथ कौन सी बैंडविथ होगी, ये बैंडविथ होती है एग्जिट इंटरफेस बैंडविथ, एग्जिट इंटरफेस बैंडविथ इन दी डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, जहां आपने जाना हो उस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी की तरफ हर एक राउटर का एग्जिट इंटरफेस, और ये होता है केबीपीएस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बीपीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर अगर हम जाना चाहते हैं आर वन से टूवर्ड्स दी आर फोर, तो एक रास्ता तो ये जाने का है, ऐसे जाने का है, ऐस फिर इस वाले राउटर से ऐसे निकलने का है, फिर यहाँ से ऐसे निकलने का है। एक तो ये तरीका है कि हम ये वाली इसकी कॉस्ट चेक करें, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी, या दूसरा तरीका है कि जो हम कॉस्ट चेक करें वो इस वाले एक्स इंटरफेस की लें, फिर इस इंटरफेस की लें, फिर इसकी लें। तो वाट एवर जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, तो हम जो बैंडविड्थ टेस्ट करेंगे, बैंडविड्थ कितनी है, इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है बैंडविड्थ को, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कमांड के थ्रू प्रिविलेज मोड के ऊपर किसी भी राउटर की, शो आईएनटी और लेट्स से एस जीरो ऑब्लिक जीरो या वाट एवर जो भी इंटरफेस है, तो तीसरी या चौथी लाइन में लिखा होगा बैंडविड्थ वाट एवर जो भी आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा जा रहा है 1544 kbps, तो जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और कट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी विदाउट द फ्रैक्शन वो उस लिंक की कॉस्ट होगी। तो पहले अगर हम इस रूटर को कॉन्फ़िगर कर लें आर वन आर टू आर थ्री आर फोर को, और देखें इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, तो वो आपके पास कुछ ना कुछ मैट्रिक की वैल्यू 110 ऑब्लिक समथिंग आ रही होगी, बट वो वैल्यू आगे से रही है क्योंकि रिप में तो आसान था जितने राउटर काउंटिंग हो। तो यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे पहले, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यूज़ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लैब ऑलरेडी हमारे पास आईपी एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, आर वन
में हम जाते हैं, R1 पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे राउटर OSPF config T, राउटर OSPF 10, और यहाँ पे जो नेटवर्क है 12.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 0, दूसरी नेटवर्क आपके पास 13.1.1.1 0.0.0.0 एरिया 0। R2 में जाते हैं, R2 के अंदर जो नेटवर्क है config T राउटर OSPF 10, नेटवर्क 12.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0, नेटवर्क 23.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0। R3 में आते हैं, एग्जिट राउटर OSPF 10, नेटवर्क 13.1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0, दूसरा 23.1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0, और तीसरी नेटवर्क 34.1.1.3 0.0.0.0 एरिया 0। नाउ गो टू द R4 config T राउटर OSPF 10, नेटवर्क इज 4.4.4.4 0.0.0.0 एरिया 0, और लास्ट नेटवर्क 34.1.1.4 0.0.0.0 एरिया 0। तो R1 के ऊपर हमें ये 4 की नेटवर्क डिस्प्ले होना चाहिए, शो IP राउट OSPF। वेट करें, R3 में जाएं, R3 में इस नेटवर्क को पहले आना चाहिए, शो IP राउट OSPF, यानी R4 के ऊपर आई थिंक लूपबैक 4 नहीं पड़ा होगा, शो IP इंटरफेस ब्रीफ पड़ा है, शो IP प्रोटोकॉल, अच्छा अब लोड हो गया, अभी फॉर्म नहीं हो पाया था, शो IP OSPF राउट, शो IP OSPF नेबर। R3 में जाते हैं, शो IP राउट OSPF, 4 का नेटवर्क आ चुका है। R1 में जाते हैं, तो हम अगर 4 के नेटवर्क पे मौजूद हैं यहाँ पे R1 के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि 4 के नेटवर्क की जो मैट्रिक है वो 66 आ रही है वाया 13.1.3 के, यानी वाया इसके थ्रू इसको आ रही है, इसके थ्रू कितनी आ रही है 66। तो अगर हम लेट से R1 का ये सीरियल डाउन करें, क्योंकि दो रास्ते हैं, देखते हैं दूसरे वाले क्या आती है, config T INT S0/1, इस लिंक को हम शट करने जा रहे हैं, और दूसरा रास्ता इस वाले रास्ते से भी इसको आना चाहिए, शो IP राउट OSPF। तो यहाँ से कितनी आ रही है, 130 आ रही है, तो लॉन्गेस्ट मैच AD मैट्रिक कॉमन है, दैट्स वाई यहाँ से 130 पड़ती है, ऊपर से 66, दैट्स वाई वो ऊपर वाले रास्ते से आ रहा है, बट ये 130 आ कैसे रही है, 66 आ कैसे रही, वो हमें चेक करने का। तो पहले हम देखते हैं 30 आ कैसे रही है, फॉर एग्जांपल हम R1 रूटर पे मौजूद हैं, R1 रूटर पे हम जाते हैं config T पे जाते हैं, सॉरी प्रिविलेज के ऊपर, और यहाँ कमांड चलाते हैं शो INT S0/0, ये वाला इंटरफेस, यानी इस इंटरफेस पे हम देखते हैं कि वॉट इज द बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंडविड्थ यहाँ लिखी होगी कहीं पर, यहाँ लिखा हुआ है 1544, यानी इस एग्जिट इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 1544 है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेट करने का तरीका है, वो फार्मूला जो बताया गया था, कि यहाँ पर हम चले जाते हैं आपके पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला आपके पास मौजूद है, और ये है आपके पास 10, ये रहा पावर, ये रही 8, यानी ऊपर की वैल्यू ये आ गई, नीचे की वैल्यू है 1544, बट ये KBPS है, तो हम कितना लिखेंगे, /15 44 और 123, 3 0 लगा देंगे, ये वैल्यू आती है 64766, यानी इस इंटरफेस की जो ये वैल्यू है, यानी इसकी जो कॉस्ट है यहाँ पर, ये कॉस्ट आपके पास पड़ी है
ये पड़ी कॉस्ट हमें 64 जाने के लिए। हम जाते हैं आर टू के एस वन के ऊपर, आर टू पे चले गए हम, शो आई एन टी एस वन, शो आई एन टी एस वन सीरियल वन, यहाँ देखते हैं कितनी है सीरियल वन के ऊपर, सीरियल वन पे जाते हैं, सीरियल वन पे 1544 है, इसका मतलब यहाँ की कॉस्ट भी कितनी हो गई 64 हो गई, तो इसको भी हम 64 ले लेते हैं, ये भी 64 कॉस्ट है। आगे हम जाते हैं आर थ्री के ऊपर, एफ जीरो ऑब्लिक वन के ऊपर, शो आई एन टी एफ जीरो ऑब्लिक वन, तो यहाँ पे एफ जीरो ऑब्लिक वन पे हम देखते हैं जाके कितनी आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4 यानी 100 Mbps। तो अगर यहाँ पे कितनी है 100 Mbps, अगर हम देखते हैं 100 Mbps है, तो अगर यहाँ से हम वैल्यू हटा दें, ये था 10 आपके पास पावर 8 और नीचे 100 Mbps है यानी ऑब्लिक, ये आपके पास हो गया 100 Mbps में 60 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, यानी ये जो कॉस्टिंग आपके पास आ रही है यहाँ पर, ये कॉस्ट कितनी आई, ये आपके पास कॉस्ट आई 1। अब लूप बैक पे जाते हैं आर फोर के ऊपर, आर फोर पे हम जाते हैं शो आई एन टी लूप बैक आपके पास 4, इसकी आपके पास कितनी बैंडविथ है, यहाँ हम देखते हैं ये है आपके पास 8, तो ये तो वैसी पॉइंट के अंदर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 8 ऑजिल मॉड्यूल, तो पॉइंट वन में पहुँचेगी आपके पास, यानी ऊपर कितना है 10,000 है और नीचे ये पॉइंट है, हम देखते हैं यहाँ पे कि ऊपर जो वैल्यू है दैट इज 10 की पावर 8 है, ये ऑब्लिक आया कितना आया 1 1 2 3 4 5 6, यानी 60 में पहले 8 लिखने के बाद पहले ही 60 है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद के बी पी एस भी है यानी 1 2 3, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट्स में आ गई, तो जो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है उसको हम कैरी करते हैं कि ये दैट इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है आपके पास, यहाँ पर ये भी वैल्यू 1 आ गई, तो 64 जो वैल्यू थी आपके पास दैट इज 64 ये 64, ये 128, ये 129 और ये 130। ऊपर 66 कैसे आ रही है कि जो आई आर वन का एस जीरो ऑब्लिक वन है, शो आई एन टी एस जीरो ऑब्लिक वन, उसकी कॉस्ट कितनी पहुंचेगी, यहाँ पे वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 1544 है, यानी ये वैल्यू यहाँ से जो ऊपर से आ रही है वो कितनी आ रही है 60 आपके पास, ये आ रही है 64 निकलने के लिए, तो 64 वैल्यू आपके पास ये आई, एक वैल्यू उसकी भी यहाँ से निकलेगी और एक वैल्यू ये भी आएगी, तो 64 और एक 65 एक 66, यानी यहाँ से जो जाने का रास्ता है वो टोटल पड़ता है 66 और नीचे से जो टोटल जाने का रास्ता है वो आपके पास पड़ रहा है कितना 130 पड़ रहा है। तो प्रीफर जो किया जा रहा है लॉन्गेस्ट मैच एडी के अकॉर्डिंग, लॉन्गेस्ट मैच सेम है, एडी सेम है, मैट्रिक इसकी कम है, तो ये रास्ता प्रीफर किया जा रहा है नहीं के लिए। तो ये हुआ ओएसपीएफ कॉस्ट कैलकुलेशन जो आपने टेस्ट किया है।